नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश आईपीएच विभाग में भरी जाने वाली वैकेंसीज के बारे में हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। टोटल कितनी वैकेंसीज भरी जाएंगी और क्या क्या नेम ऑफ द पोस्ट रहने वाले हैं, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हिमाचल प्रदेश में आने वाली जॉब वैकेंसीज के बारे में रेगुलर जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश आईपीएच विभाग में रेगुलर बेसिस के आधार पर 1500 वैकेंसीज भरी जाने वाली हैं। इनमें नेम ऑफ द पोस्ट है फीटर, पंप ऑपरेटर, और इनके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आईटीआई आपकी फीटर ट्रेड में या पंप ऑपरेटर ट्रेड में होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी नेम ऑफ द पोस्ट रहने वाले हैं, आपकी क्वालिफिकेशन नेम ऑफ द पोस्ट के हिसाब से रहने वाली है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने सरकार से आउटसोर्स के बजाय अनुबंध आधार पर भर्ती करने का मामला उठाया था। ये प्रस्ताव पिछले महीने कैबिनेट की बैठक में रखा गया था। तब ये तय हुआ था कि पहले वित्त विभाग की कंकरेंस ली जाए, इसके बाद वित्त विभाग में ये मामला भेजा गया था। तो वित्त विभाग ने इन 1500 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। पर अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि ये भर्ती कौन कंडक्ट करवाएगा, यानी कि एचपीएसएससी के माध्यम से ये भर्ती कंडक्ट की जाएगी या खुद इसको आईपीएच विभाग के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाएगा। पर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ये भर्ती कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के क्षेत्र की है। पर जैसा कि आपको पता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में एचपीएसएससी के माध्यम से पहले भी कुछ वैकेंसीज निकली थी, तो उनका प्रोसीजर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे में यदि ये भर्ती एचपीएसएससी के माध्यम से करवाई जाती है तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, और यदि ये भर्ती विभाग को सीधे तौर पर दे दी जाती है तो पहले भी आपको पता है पटवारी और पुलिस की भर्ती में काफ़ी विवाद हुए। अगर ऐसे में भर्ती आयोग के माध्यम से ना करवाकर विभाग को सीधी दे दी तो कोई विवाद होने का खतरा है। तो दोस्तों, 1500 वैकेंसीज के लिए मंजूरी मिल चुकी है और इनमें नेम ऑफ द पोस्ट फिटर और पंप ऑपरेटर बताए गए हैं। इसके अलावा कुछ और भी पोस्टें रहने वाली हैं। तो दोस्तों, कैबिनेट में इसके प्रति निर्णय लिया जाएगा कि ये भर्ती किसके माध्यम से कंडक्ट करवाई जाएगी, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। कैबिनेट में फैसला होने के बाद इसकी जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, अगर आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हिमाचल प्रदेश में आने वाली जॉब वैकेंसीज के बारे में जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।